मीडिया हमेशा एक गांधी बनाम अम्बेडकर का एक बाइनरी बनाती है, और वो बाबा साहब को तो एक सफल पत्रकार के रूप में या बाबा साहब को एक आंदोलनकर्ता के रूप में ना दिखा के वो गांधी के योगदान को ज्यादा महिमा मंडित करती है। इस मीडिया का जो चरित्र है जिसको हम चौथा पिलर कहते हैं इस लोकतंत्र का, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बाद जो चौथा पिलर है वो बिक चुका है। उससे हमें कोई भी उम्मीद करना किसी तरह की कि वहां से कोई न्याय मिलेगा, वो हमारी बात सुनेंगे, वो मुश्किल है। अब इसी पूरे परिदृश्य के अंदर उद्गम होता है बहुजन मीडिया का, जिसको आज बहुजन कहा गया है। बहुजन शब्द ऐतिहासिक है, बुद्ध धर्म के पाली भाषा के साहित्य में भी इसका जिक्र है, और इसका एक नया कनोटेशन हमको देखने को मिला, सुनने को मिला जब एक बहुजन आंदोलन 1984 के बाद से इस देश के अंदर शुरू होता है। हम ढूंढते हैं टीवी चला के शाम को कि शायद हमारे मुद्दों पर डिबेट हो जाए, शायद हमारे जो न्यूज है, जो हमारा विमर्श है वो देखने को मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। इसका उल्टा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका उल्टा है। हमारी जितनी बुद्धि भ्रष्ट करी जा सकती थी वो टीवी ने कर दी, बाद उसके बावजूद हमने भी टीवी छोड़ना नहीं देखा, लेकिन अब आवाज उठती है। हम अपने जो कमेंट्स पढ़ते हैं उसके जरिए भी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं बहिष्कार करिए, शाम की टीवी डिबेट से अगर आप बच जाएंगे तो बड़ा योगदान हो जाएगा। बुद्धि भ्रष्ट करी, फ्रेम वॉश किया, डाइवर्ट किया, डिस्टॉर्ट किया, जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। नेशनल दस तक आया, इंटरनेट सस्ता हुआ, सोशल मीडिया के जरिए 2014 की सरकार हमें देखने को मिली जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर इस्तेमाल किया आईटी सेल। तब तक हमारे हाथ में लगी नहीं थी इतनी तकनीक, और हमारा जो स्मार्टफोन का जो यूजर था उसके हाथ में इतना स्मार्टफोन आया नहीं था। समय बीता 1-2 साल, और बहुसंख्यक तो हम हैं ही, कब तक नहीं आएगा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आया, जियो आ गया, इंटरनेट सस्ता हो गया, और उसके जरिए हुआ ये कि धीरे धीरे एक एक करके चैनल दर चैनल बनते चले गए। चौथा खंबा राजनीतिक दलों के हाथों में है, और नेता आज लोकतंत्र के ठेकेदार बने हुए हैं। आपके दिमाग पर, आपके जहन पर वो राज करते हैं, हमें पता नहीं चलता। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो बिना कुछ आपके एफर्ट ये सीखता है, देखता है। उस सबकॉन्शियस माइंड ने वो सब चीजें भर ली जो टीवी देखते देखते आप सीख रहे थे। सोशल मीडिया आज खतरनाक दौर में गुजर रहा है, गाली गलौज, जान से मारने की धमकियां, इस तरह की भरमार आपको अभी भी देखने को मिलती है। पुलवामा के बाद कोई सरकारों से सवाल नहीं उठा सकता, जिसने ये पूछ लिया कि आरडीएक्स कहां से आया वो देशद्रोही, गाली गलौज, जान से मारने की धमकियां, वरिष्ठ पत्रकारों को बलात्कार की धमकियां, ये सब हो रहा है। सुनवाई नहीं होगी और ना होगी। सोशल मीडिया बून है या बेन है, अभिशाप है या क्या है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें उसको अपने बेनिफिट के लिए, अपने इस बहुजन आंदोलन की मजबूती के लिए इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई चारा ही तो नहीं है। आज कम से कम यहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं इसमें मैं देखता हूँ छोटे नहीं, बड़े बड़े कार्यक्रम जो भी अनुवादी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी 13 पॉइंट रोस्टर के लिए कार्यक्रम हुआ था, उसमें लगभग बहुजन समाज से संबंध रखने वाले सभी पार्टियों के लोग थे। तेजस्वी यादव थे वहां, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव थे, और मनोज झा थे आरजेडी से, आम आदमी पार्टी के लोग थे, बहुत पार्टीज के लोग थे, लेकिन वहां मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करने नहीं आई, बस घूम रही थी कैमरे लेके, कुछ गड़बड़ हो जाए, उत्तर मच जाए तो कवर कर ले। तो यही चल रहा है। गौरी लंकेश की हत्या हो जाती है, एक पत्रकार जो आवाज उठा रहे थे लगातार अपनी, रवीश जी के साथ क्या हो रहा है, बरखा दत्त के साथ क्या हो रहा है, राजीव साहब उनके अभी नंबर जो उनके मोबाइल फोन नंबर थे पर्सनल, वो सार्वजनिक कर दिए गए कि लीजिए ये नंबर है, इन्हें गाली दीजिए, देशद्रोही है। ये हालत है मेन स्ट्रीम मीडिया की, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिसे कहते हैं कि ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये जनता की आवाज उठाएगा, जब अन्याय उत्पीड़न होगा देश के अंदर तो ये मीडिया उसको दिखाएगा, और वो प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्न बनेंगे, उस पर विवेचना होगी, विमर्श उस पर छिड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मीडिया मनवाली है, इसको कहने में कोई संकोच नहीं, कोई दो राय नहीं, और मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या बुरा हाल है ये हमको मालूम है। और इस मेन स्ट्रीम मीडिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस आज एंजॉय करता है, इसमें भी बाबा साहब का योगदान है। वो धन्यवाद करे चाहे ना करे, आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू, जो हमें फ्रीडम ऑफ जो अभिव्यक्ति की आजादी मिली है उसमें नहीं है, इम्प्लिसिट है ये राइट जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, और इसी को ही किसी तरह से एक तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। अब बहुजन मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, बहुजन मीडिया का असली रोल यह होना चाहिए कि ब्राह्मणवाद के जो जकड़े भी जो लोग हैं उस मानसिकता से उसको बाहर निकालना है। लंबी लड़ाई तो असल में यही है।
अब ये जो धर्म होता है, ये सवाल पूछने की आजादी तो हमको देता नहीं है, क्योंकि धर्म में सवाल पूछना तो पाप है। ये सामंतवाद का प्रतीक है, आप सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल अगर पूछेंगे तो आप अधर्मी हैं। और ये जो धर्म है, इसने हमें जकड़ रखा है, और ये वैज्ञानिक सोच को, रैशनल आउटलुक को पनपने नहीं देता, और यही पे भोजन मीडिया का रोल आता है। एक रोल ये भी है कि जो एकता और बेहतरी के लिए जो काम ना करके जो धर्म ऊंच नीच भेदभाव को बढ़ा रहा है, उसकी पोल खोली जाए। अगर हम पेरियार जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि त्योहारों पर नारियल फोड़ना, ब्राह्मणों को पैसा देना और उनके पैरों में पड़ना बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं है। और बहुजन मीडिया की ही यहीं पे भूमिका है कि ऐसे ही लोगों को वो बाहर निकाले। अब इस बहुजन मीडिया में क्या आता है, पत्र पत्रिका अखबार तो पहले भी चल रहा था, लेकिन फिलहाल हम अगर गिनती करें तो इसमें सारे वो पोर्टल जो चल रहे हैं, वो वेबसाइट्स, जो अखबार पहले से चल रहे थे, जो अभी चल रहे हैं, वो सारे सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। और यदि आपको, आप सब लोग बहुत से अपने स्मार्टफोन में ये चैनल वगैरह देखते होंगे, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, बड़े बड़े चैनल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक है, 24 लाख सब्सक्राइबर है, बहुजन टीवी है, 7 लाख सब्सक्राइबर है, आवाज इंडिया के 5.5 लाख सब्सक्राइबर है, नेशनल इंडिया न्यूज है, इसके 6 लाख सब्सक्राइबर है, दलित दस्तक के 4.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, समता आवाज, अभी यहाँ बैठे हुए थे मनोज अंतानी जी, 3,36,000, फिर और इंडिविजुअल चैनल हैं कुछ, एक्टिविस्ट वेद का 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो लाखों में हमारे चैनल्स की संख्या पहुंच गई है, और अगले 1.5 से 2 साल के अंदर आपको कई चैनल ऐसे मिलने वाले हैं जिनके सब्सक्राइबर बेस 1-1 मिलियन से ऊपर होगा। हमारे दलित न्यूज नेटवर्क के भी 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, और हमने 17 महीने शुरुआत करी थी अपनी। अब बहुजन मीडिया जो है उसमें एक चीज हमें देखने में यह आई है कि अब चैलेंजेस हमारे सामने बहुत सारे हैं। हम इस बात का फक्र तो कर रहे हैं कि आवाज हमारी दबती नहीं है, हम जो दलित उत्पीड़न के प्रश्न होते हैं उनको राष्ट्रीय प्रश्न बना देते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है उसके अंदर कोई बड़ा मीडिया हाउस नहीं है बहुजनों का। ये जो भी चैनल चल रहे हैं ये पर्सनल एफर्ट से चल रहे हैं, मोर ऑर लेस, कुछ चैनल को छोड़ दिया जाए उनके अलावा लगभग पर्सनल एफर्ट से चल रहे हैं। और जो भी कुछ इसमें एफर्ट लग रहा है वो उन्हीं लोगों का लग रहा है जिनको समाज का दर्द है, पीड़ा है, और वो कुछ भी करके छोड़ चुके हैं अपनी नौकरी वगैरह, जो भी काम किया उन्होंने वो जुड़ गए हैं इस काम में। मैं उनमें से एक हूँ, मैंने शुरुआत अपने करियर की ऑल इंडिया रेडियो से की थी, मैं कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर था वहाँ पे हिंदी न्यूज रूम में। उसके बाद मैंने LIC ज्वाइन किया अच्छे स्केल पे, ऑफिसर लेवल पे, लेकिन 9 साल के बाद मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वहाँ पे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ थी नहीं और मुझे नुकसान भी हुआ उस 9 साल के चक्कर में, वो 9 साल मेरे बर्बाद हो गए। बहरहाल अब आने वाला समय क्या टीवी का है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग हमसे मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कहते हैं कि आप इसको नेशनल चैनल कब बनाएंगे, टीवी पे कब आएगा। मेरा सवाल ये है, यहाँ बहुत से बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और बदकिस्मत चले भी गए हैं बहुत सारे, होते तो सुनते, सवाल मेरा ये था कि क्या आने वाला समय टीवी का है भी या नहीं है, क्योंकि हम नेशनल मीडिया बनाने की कवायद करने इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च होता है, और कोई इस तरह सामाजिक अगर एकजुटता हो भी जाए, कुछ लोग मिल जाए, इस तरह कॉर्पोरेट हाउस डेवलप हो जाए, तो नेशनल टीवी हम बना भी लें तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में टीवी की व्यूअरशिप खत्म हो रही हो, क्योंकि कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, 2017 के हिसाब से 400 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स अवेलेबल हैं, सिस्को की रिसर्च कहती है, यानी कि लगभग 40 करोड़, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2017 में 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 800 मिलियन हो जाएगा, यानी कि 80 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन होगा, क्योंकि स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो घटते 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 3-4-5 हजार तक आ गया है। अब हमारे सामने की ये है कि अब आने वाले समय में क्या हमें इस सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बात को, इस कवायद को, आंदोलन को बढ़ाना है, या फिर हमें नेशनल मीडिया बनाने की तरफ सोचना है। ये एक बड़ा प्रश्न है जो समाज को और बुद्धिजीवियों को सोचना होगा। अब फर्क क्या पड़ा है सोशल मीडिया के आने से, एक तो हमारी टीवी चैनल के ऊपर निर्भरता खत्म हो गई, हम आउटराइटली इनके ऊपर डिपेंड करते थे और देखते थे कि शायद उन बहुजन राजनीतिक दलों के उन दलित उत्पीड़न अत्याचारों की खबर को हमें शायद देखने को मिले, वो सब नहीं। अब आज हमारे पास अपने बहुत से चैनल हैं, अब हमें इनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और मनुवाद जो था एक समस्या के रूप में उभरा है, जब से ये 4-5 सालों में चैनलों ने काम करना शुरू किया है। आज दलित भी इस मनुवाद से छुटकारा चाहता है, पिछड़ा भी इस बात को कहने लग गया, वामपंथी भी कह रहे हैं, और जो मानवतावादी सवर्ण है, जो समझते हैं कि ये चीज जो है जो मनुवाद है उसके अंदर एंटी विमेन, एंटी दलित और एंटी ह्यूमन विचारधारा उसमें बसी हुई है, मैं बस खत्म करता हूँ।
मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि इस बहुजन मीडिया की हमें जरूरत क्यों पड़ी। आज हम सभी लोग बहुजन चैनल्स को देखते हैं बड़े रड़ल्ले से, लेकिन उसके पीछे जो कार्य चल रहा है उसको शायद समझने में विफल रहते होंगे, क्योंकि इस पर इतना काम नहीं हुआ, डिबेट्स नहीं हुई, सेमिनार नहीं हुई। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर साहब का कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बात रखने का मौका दिया। हालांकि ये एक सेपरेट टॉपिक है डिबेट का, क्योंकि बहुत हद तक हमने लोहा ले लिया है और अब उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि हाँ, हम नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो कोई रिकॉर्ड करके कहीं ना कहीं से तो उसको वायरल किया जाएगा। और नीड इसलिए हुई कि जातीय उत्पीड़न कभी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता था। बड़ी लंबी फेरिस्त है, खैर रंजी में क्या हुआ हमें मालूम है, इसलिए जरूरत पड़ी। शब्बीरपुर में हुआ, ऊना कांड हुआ हमारे सामने, पुराना अगर हम देखें तो बेलसी कांड हुआ, लक्ष्मणपुर बाथे का एक मामला है नरसंहार का पुराना, मिर्चपुर हुआ, गोहाना हुआ, कुम्हेर हुआ, नागौर में डांगावास कांड हुआ, उसके बाद रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल, दिलीप सरोज को मार दिया, उन्नाव में मोनी को जिंदा जला दिया, एक लड़की थी दलित समाज की। यही सब चीजें हैं, बहुजन समाज के स्मारकों को गालियां पड़ती हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, इन सब घटनाओं को आज के समय में उजागर कौन कर रहा है। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा उन सब लोगों का जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ सब लगे हुए हैं और आपको सारे दिन घूमते हुए मिल जाएंगे। यकीन मानिए इनमें से बहुत सारे चैनल चलाने वाले हैं वो केवल अपना घर भी चला पाते होंगे, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। लोग हमें कहते हैं कि सर आप एक हमारा इवेंट है, आप आ जाइए जोधपुर में कवर कर लीजिए। तो मैं सीधे हिसाब लगाता हूँ कि गाड़ी से भी गए अगर तो आना जाना 400 किलोमीटर और 11-12 का एवरेज भी आया तो हम तो 15-20,000 रुपए का हो गया। इतनी क्षमता है बहुजन मीडिया की आज नहीं है। जो चुनौतियां क्या है, मैं अपने चैलेंजेस जो बहुजन मीडिया के सामने है वो बता के मैं वाइंड अप कर दूंगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि बहुजन मीडिया भी शुरुआती स्टेज में है, आने वाला समय बेहतर है, भविष्य बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम है क्योंकि स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। आने वाले समय में 4G से बढ़कर जब हम 5G पर पहुंच जाएंगे तो इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो जाएगी। टीवी मीडिया सैटेलाइट के ऊपर काम करता है और हम लोग सारा का सारा इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं। ओबी वैन बेकार हो चली है, आपको अंदाजा होगा, क्योंकि जो ओबी वैन, जो छतरी वाली जो वैन हुआ करती थी लाइव करने के लिए, अब उसकी जगह छोटे डिवाइसेज आ गए हैं। जब 5G आ जाएगा तो यहां लगा आपका स्मार्टफोन फुल HD में ब्रॉडकास्ट करने की क्षमता रखेगा, यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर तस्वीर अपने पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर दिखाई देगी। तो और दूसरा यह है कि बहुजन मीडिया का कोई फोरम नहीं, कोई संगठित बॉडी नहीं जो इसकी देखरेख करे, जो इसकी दिशा को निर्धारित करे, जो ट्रेनिंग करे, जो कोई प्रेस काउंसिल नहीं है बहुजनों की। तो अभी बिल्कुल असंगठित तरीके से, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से काम हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जितना हो गया वो काबिले तारीफ है। आर्थिक परेशानियां हैं, कंटेंट की ओरिजिनैलिटी नहीं है, आर्थिक समस्याओं की वजह से स्टाफिंग कम है, स्टाफिंग कम होने की वजह से रिसर्च नहीं कर सकते। दूसरी दिक्कत है कि हम सेंसेशनलिज्म का शिकार है, सनसनीखेज खबर चलाने की मजबूरी बन गई है। कुछ बड़े मीडिया चैनल है बहुजनों के, वो एक दिन में 25-30 रिपोर्ट बनाते हैं और उन्हीं का आचरण करके हमें मजबूरन बनानी पड़ती है, क्योंकि हम फिर लैग बिहाइंड कर जाएंगे, हम पीछे छूट जाएंगे। तो कायदे से 25 रिपोर्ट किसी एक चैनल की कोई देख नहीं सकता, ये बात आप जानते हैं। अगर 5 मिनट की एक रिपोर्ट हुई तो आप 25 मिनट की रिपोर्ट नहीं देख सकते। लेकिन बहुजन मीडिया ने जो भी कर दिखाया है उसके लिए वो धन्यवादी है। मैं उन सभी लोगों का जो कैमरा हैंडल करते हैं, जो अपने मोबाइल फोन और छोटे छोटे माइक लेके 100-100 रुपए के हम घूमते रहते हैं, एक लेबर वाला काम है ये, जलालत भी झेलनी पड़ती है, हर तरह का परेशानी, शोषण भी झेलना पड़ता है, क्योंकि शोषण हो जाता है हमारा बड़े आराम से, कोई बुला लेता है हम मना नहीं कर पाते, हम चले जाते हैं, सारा दिन एक काम पे खड़े रहते हैं और फिर शाम को घर चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुजन मीडिया भी तलवार के धार पर है, क्योंकि हम किसे कह रहे हैं बहुजन मीडिया, जो यूट्यूब पे हम वीडियो रिपोर्ट्स बना के डाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब हमें समझना पड़ेगा कि एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट है, उसकी एंटिटी एक कॉर्पोरेट की है, और ये जो भी कॉर्पोरेट्स होती है, जो कंपनी होती है ना, ये सरकार के दबाव में रहती है। जिस दिन सरकार ने आर्म ट्विस्ट कर दिया, एक झटके के अंदर पूरी बहुजन मीडिया को वाइपआउट कर दिया जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। इंटरनेट पे हम चलते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, अगर पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाए और इमरजेंसी लग जाए, तो उस इमरजेंसी के अंदर आपके तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, ऐसे में आपको इंटरनेट के ऊपर भी पाबंदी लगेगी और वही समस्या आ जाएगी कि पूरी तरह से खुली छूट मिल जाएगी शोषण के लिए। समस्या बड़ी है, विकराल है, मनुवादियों ने अपना फन उठाया पिछले 4-5 साल में,
दलितों ने इस बात को समझा, बहुजन मीडिया ने अपनी ताकत लगाई और बहुजन राजनीतिक दलों ने भी कोई संजीदगी नहीं दिखाई इस बहुजन मीडिया। वो कहते हैं ना कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया हमें इग्नोर करता है, अरे हम तो आपको दिखाते हैं ना, तो आपने हमें कौन सा पूछ लिया? अगर कोई बड़ा राज बहुजन समाज का कोई भी बड़ा राजनीतिक दल चाहे तो इस सारे मीडिया के जो भी मैंने नाम लिए हैं ऐसे रोज 100 चैनल बन रहे हैं, किसी के 100 सब्सक्राइबर में, किसी के 1000 हैं, सबको इंक्लूड करेगा तो हर जिले में इंक्लूड मिल जाएगा। लेकिन ये एफर्ट कंसर्टेड होगा, इसके लिए बड़ी संगठन बड़ी संस्था की जरूरत है। और जो भी नजर आ रहा है ना, ये संघर्षशील परेशान चिंतित व्यथित इन युवाओं की वजह से है जिनको लगा कि ये बीड़ा तो हमें अपने कर्तव्य उठाना ही पड़ेगा, उन्होंने उठाया, इसीलिए आज हमको खबरें व अत्याचार उत्पीड़न की समस्याएं। और मैं पिछले अपने 1.5 साल में बहुत से ऐसे मुद्दे देख भी चुका हूं जिसमें हमने इश्यूज को रेज किया और हमारे रेज करने के बाद जब चैनल्स ने शुरू कर दिया तो फिर इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको, बाड़मेर में भी एक मामला था बाड़मेर का जहां पे ऑस्टोसाइज कर दिया गया था, उनको रास्ता बंद कर दिया गया था, उनको जांच बाहर कर दिया गया था, ना कुएं का पानी ना आना जाने का रास्ता। तो यही दिक्कतें हैं। और जैसा बाबा साहब कहते हैं कि इट इज योर क्लेम टू इक्वालिटी विच हर्ट्स देम, बेसिकली हमने जो समानता हासिल करी जो बराबरी हासिल करी वो उनसे बच नहीं रही। मीडिया के मामले में भी एक मुझे कार्टून याद आया जो मैंने देखा था जिसमें दो टीवी एंकर्स बात कर रहे हैं आपस में स्टूडियो में खड़े हुए और एक दूसरे से पूछ रहा है कि कौन कहता है कि दलितों की नुमाइंदगी नहीं है मीडिया में, वो देखो है तो सही दलित, तो वो इशारा करके दिखा रहा होता झाड़ू मारने का। ये कार्टून मैंने शायद द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में देखा था, वो कह रहा कौन कहता है दलितों की नुमाइंदगी नहीं है एक्सप्रेस। तो बस इतना ही, बहुजन मीडिया अपनी बहुजन मीडिया अपनी पूरी एड़ी चोटी की जान लगा रहा है, आपकी बातों को संवादों को विचारों को जो लड़ाई आप कर रहे हैं, जो धरने प्रदर्शन आप करते हैं, जो आंदोलन आप करते हैं, उसको घर घर तक पहुंचा रहा है और जितना बन सक रहा है बहुजन मीडिया से हो रहा है। जरूरत है इसको पैटर्नेज देने की, जरूरत है इसको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करने की, इसको इकोनॉमिकली वायबल बनाने की और इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम जय भारत, धन्यवाद।